भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। भारत को एक सूत्र में बांधती है यहाँ की संस्कृति। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। तमाम आघातों के बाद भी भारत ने अपनी आत्मा को बचाए रखा है, तो इसका अहम कारण है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कला, संस्कृति, साहित्य और दर्शन को लोगों के सामने लाने की एक पहल है हमारा ये विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद। तो आइए आज इस खास शो की शुरुआत करते हैं झलकियों से। IGNCA के जनपद संपदा विभाग ने रानी दुर्गावती पर आधारित एक फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया। श्रीमती गुलाब बाई, इन्होंने नौटंकी की लोकप्रियता का झंडा उत्तर प्रदेश और भारत देश की सीमाओं से परे पूरे विश्व में फैला दिया। Irrespective of what title you give, I said this is the dilemma between literature and art. पश्चिम गोंडा चेहरा गांव, जो अपने होजागिरी नृत्य और अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। झलकियों से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज संस्कृति संवाद में हम आपके लिए क्या खास लाए हैं। झलकियों के बाद अब आपको ले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियों की तरफ। इसमें हम आपको देते हैं हाल ही में आयोजित हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी। इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं बुक लॉन्चेस, पेंटिंग एग्जीबिशन, किसी विषय पर टॉक शो, मेमोरियल लेक्चर और सांस्कृतिक समारोह। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोवा में IGNCA और गोवा विश्वविद्यालय के विद्या प्रबोधिनी कॉलेज के सहयोग से श्रीराम साहित्य, संस्कृत साहित्य में श्रीराम का चित्रण विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वावधान में जपसूत्रम ग्रंथ का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित BHU के वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने कहा कि भारतीय अध्यात्म ज्ञान विज्ञान पर प्रामाणिकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भारतीय संस्कृति संसद ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IGNCA की ओर से सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय संस्कृति संसद की ओर से ट्रस्टी BD मुंद्रा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर IGNCA के जनपद संपदा विभाग और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने रानी दुर्गावती पर आधारित एक फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया। फिल्म थी गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती। इस प्रेरणादायक फिल्म का निर्माण IGNCA और निर्देशन अशोक शरण ने किया। इस फिल्म को हाल ही में चित्र भारती फिल्मोत्सव के सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार मिला था। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने रानी दुर्गावती पर अपने विचार साझा किए। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर रानी दुर्गावती जी को देखा जाए, एक ऐसी स्त्री जिसके की जो है पति का भी देहांत हो गया हो, लेकिन ऐसे साम्राज्य के अगेंस्ट उस समय जितने भी हिंदू राष्ट्र नेता थे,
या उस समय के जितने भी राजा थे लगभग सभी ने समर्पण कर दिया था अकबर के सामने। लेकिन ऐसी स्थिति में भी रानी दुर्गावती जो है समर्पण की तरफ नहीं गई, बल्कि उन्होंने ये दिखा दिया कि एक नारी की क्या शक्ति होती है। जैसा ये 500वां जयंती वर्ष, ये हमने सोचा कि एक अच्छा उपलक्ष्य है, उसके तहत वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन सबके सामने आना चाहिए। वो 500 वर्ष पूर्व भी महत्वपूर्ण थी, आज 500 वर्ष के बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। वाराणसी में पर्यावरण और संगीत के अंतर संबंध पर आधारित हरितिमा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी, ग्रीन इको मूवमेंट सोसाइटी वाराणसी और भाव प्रभा पद्म संस्थान वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के दौरान निर्गुण भजन और कजरी गायन की प्रस्तुतियां भी हुई। IGNCA के कला कोष विभाग ने महात्मा गांधी की दृष्टि, राधा कृष्ण का उद्यमी जीवन, विचार और कार्य पुस्तक का लोकार्पण और चर्चा सत्र का आयोजन किया। पुस्तक की लेखिका डॉ. शोभना राधाकृष्ण है। कार्यक्रम के दौरान लेखिका ने पुस्तक में वर्णित घटनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि ये पुस्तक विशेष रूप से युवाओं को भारतीय संस्कृति और इतिहास का ज्ञान कराती है। इस किताब में जो चंद्रहास जी ने अपना संस्मरण दिया है, उस संस्मरण से यह किताब अपने आप में बहुत कीमती हो गई है, और ऐसे तमाम इसमें जानकारियां हैं। मैं इस किताब के लिए भी और शोभना जी के प्रयास को मैं नमन करता हूं, अपना पूरा समर्थन देता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, गांधी जी का जो दर्शन था अर्थव्यवस्था के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में, गाँव की अपनी स्वायत्तता के बारे में, हमारे ग्रामीण रोजगार के बारे में, इन सब चीज़ों को युवाओं तक पहुंचाने का काम कुछ लोगों ने बहुत शिद्दत से, बहुत प्रयास से किया है, उसमें राधा कृष्ण जी का एक योगदान है। संगीत भारत के जनजीवन में समाया हुआ है। संगीत के बिना यहाँ लोक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ जन्म के वक्त मंगल गीत गाए जाते हैं, तो वहीं मृत्यु के विलाप में भी संगीत के स्वर होते हैं। यहाँ के संगीत में गजब की विविधता है। इसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भजन, गाथा और फिल्म संगीत के विभिन्न रूप शामिल हैं। लोक संगीत में बाउल संगीत का अपना अलग ही स्थान है। ये सिर्फ गायन या संगीत नहीं, बल्कि जीने की पद्धति है। बाउल साधकों ने संगीत के माध्यम से आध्यात्मिकता का संदेश दिया। यूनेस्को ने बाउल संगीत को मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। आइए आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं प्रसिद्ध बाउल संगीतज्ञ पार्वती बाउल और उनके साथियों की मनमोहक प्रस्तुति। Bilash loye
बाउल संगीत के बाद अब रुख करते हैं भारतीय लोक कला की प्रसिद्ध विद्या नौटंकी की तरफ। आधुनिक वक्त में नौटंकी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले कलाकारों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित गुलाब बाई का योगदान बहुत बड़ा है। वो नौटंकी में पहली महिला कलाकार मानी जाती हैं। उन्हें नौटंकी की मलिका भी कहा जाता है। सिने सर्कल के आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं नौटंकी क्वीन गुलाब बाई के जीवन पर बेस्ड फिल्म एक थी गुलाब। इस नामक ताने का संग जहां बना एक गरीब और कमजोर लड़की ने शाही सिपाहियों पर एक मेवा फरोश के फल खाकर दाम न चुकाने के झगड़े के कारण सरे बाजार हमला किया, जो कि सख्त जुर्म है। अगर इस जुर्म की सजा नहीं दी गई तो रोब शाही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हर शख्स मुलाजमान शाही को राह चल के ठुकराएगा। श्रीमती गुलाब बाई, इन्होंने नौटंकी की लोकप्रियता का झंडा उत्तर प्रदेश और भारत देश की सीमाओं से परे पूरे विश्व में फैला दिया। श्रीमती गुलाबबाई पद्मश्री के सम्मान से विभूषित हैं तथा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय संगीत कला अकादमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी हैं। टूटे पुराने और उजड़े माहौल वाले रेल बाजार इलाके से निकलकर हम कानपुर की एक पॉश कॉलोनी किदवई नगर पहुंचे और इस मकान के छोटे से कमरे में तीखे नयन नक्श वाली एक उजड़ी सी मूरत हमने देखी, जिन्हें जमाना गुलबिया, गुलाबो, गुलाब जान या गुलाब बाई के नाम से जानता आया है। उनकी छोटी बेटी मधु ने उन्हें हमारी पहुंच की जानकारी दी। दर्द से कराहती लेकिन जिंदगी से भरपूर गुलाब बाई उठकर बैठ गईं और शुरू हुआ उनका जिंदगी नामा। गांव मेरा बंद पड़वा और वो भर का बाद डिस्ट्रिक्ट है। मेरे बाप बाप बहुत गरीब आदमी, 10 बहन भाई हैं, हम सबसे बड़े। तो गांव पड़ोस में छोटे छोटे गांव बने थे, तो हाँ ढोलक ढोलक बजा बजा के लोग किताब लेके नौटंकी की। नजरियों के बानो बलम हमें मारो मारो ना मारो ना मारो ना। तभी आया 13 जुलाई सन 1996 का दिन। सुश्री गुलाब बाई अपने भरे पूरे परिवार को बिलखता छोड़ अचानक अंतर ध्यान हो गई। यो तो हमने उन्हें काफी सम्मान दिए, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व सभी जगह उनकी धूम मची। उनके जमाने के प्रत्येक राष्ट्रनायक ने उनकी कला को सराहा, किंतु उनकी चहेती लोक कला नौटंकी को क्या हम फिर से जीवित कर पाएंगे? कोई नहीं है माता खाली ये तन है अपना और सर पे है विधाता, जारी यूं ही रहेगा दुनिया का कारखाना। तो अभी आपने देखा कि किस तरह एक बेहद गरीब घर की महिला ने नौटंकी विद्या को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के उन दिग्गज कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ बातचीत। पेंटिंग एक ऐसी कला है जिसका अभ्यास मनुष्य कई हजार सालों से करता आ रहा है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में मिले हजारों साल पुराने चित्र प्राचीन मानवों द्वारा बनाई गई शानदार पेंटिंग्स का उदाहरण है। भारत में आधुनिक काल में चित्रकला ने बहुत विकास किया है। 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय चित्रकला में आधुनिकता का आगमन हुआ। राजा रवि वर्मा, उनके बाद अवनींद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस जैसे चित्रकारों ने भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया। भारतीय चित्रकारों और मूर्तिकारों की परंपरा में एक सशक्त हस्ताक्षर थे भवेश चंद्र सान्याल।
इन्हें भारतीय कला में आधुनिकता लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने कई भारतीय कला संस्थानों की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। विशेष इंटरव्यू के इस सेगमेंट में इस बार देखिए प्रख्यात चित्रकार और मूर्तिकार पद्मभूषण बीसी सान्याल के साथ बातचीत के अंश। That I am taking the profession of an artist today, I can also trace back again to my mother. He devoted almost all his life in theater. He was very strict with us. So much so that if I had, after my bath, has parted my hair and dressed up and suddenly saw my uncle coming, I would ruffle my head. Otherwise, he would pass a comment which would be very biting, that I am trying to deck up my head and so on. The other thing that got stuck in my memory, I think it was to amuse me. She used to make little clay toys of not only gods and goddesses, but little animals and things like that. And that fascinated me. As a professional, what could I do? So if I finished my painting class, I took to something else, gesso painting, Achari Sahab. He was a craftsman who do wood carving and gesso painting and all these things. And when Abhinindranath and Havel, they were running the institution, they invited him as a mistri to come and join the art school. Now T.A. Achari transformed himself. He put on trouser and coat, and he never put on a tie, gala band coat, and even tried to speak English with us. And he also came very attached to me, and then he would call me one day to his little office. He said, "A khoka idhar aao." Then he will make the khoka sit down. He said, "You write, write in English to my father-in-law." Like, "What can I write to your father-in-law?" "No, no, no. Write what I say." He told me in half Bengali, half Tamil, that he is expecting his first child. This kind of relationship grew between teacher and students, with different teachers different way. I knew Jamini Roy had just, Atul Bose, they had left school. And Jamini Roy somehow took to me very kindly, very affectionately. He used to visit me in the art school, take me to his Bagh Bazar home. He said, "Bhavesh, you are very good at the clay. Let's sit together and work together." That gave me the first glimpse about what Jamini Roy was aiming at or trying to rediscover, which probably he has lost touch with. By looking at his work and looking at my own, I found a great difference. The way he was trying to stylize an image and I was trying to depict in a realistic manner. Later on, I thought, this is the difference between two of us. I paint because I have to paint. And the way I paint, during the work, till I have finished, all the time I'm questioning myself. As a matter of fact, I am the first critic of my own work, so to say. Sometimes I'm happy, sometimes I'm not. And it's very disturbing. Yet, I cannot stop painting. It seems to me a sudden thing that has happened to me. I said, hell with it. Hell with it, what I have been doing all this time. It's good that it has kept me in my profession. I have not forgotten how to hold the brush in my hand. As a matter of fact,
I have learned a new way of holding the brush, about which I didn't know. I have rediscovered that the brush can be used as a sword in my hand. Sure. I hold my brush differently now, which I never did before, and the result I get. And then it suddenly occurred to me why I shall paint only images of familiarity, images coming in my mind, irrespective of what title you give. I said, this is the dilemma between literature and art. Your painting itself should speak for itself. B.C. Sanyal के इस खास इंटरव्यू के बाद अब हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के आज के अंतिम पड़ाव मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ। इस सेगमेंट में आप रूबरू होते हैं भारत के किसी एक गांव की संस्कृति और वहां की लोक कला के साथ। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अनूठी पहल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के सभी गांवों का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो आज जानिए त्रिपुरा के गांव पश्चिम गंधाचारा के बारे में, जो अपने पारंपरिक नृत्य और जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। पश्चिम गंधाचारा गांव, जो अपने होजागिरी नृत्य और अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। गांव में कुल 2124 परिवार रहते हैं और गांव की कुल जनसंख्या 9657 है। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल गोभी शामिल हैं। मछली पालन इस गांव के लोगों के लिए व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गांव में आज भी लोग चटाई और टोकरियां बनाने का काम करते हैं। गांव में खासकर रियांग जनजाति के लोग रहते हैं। ये आज भी मिट्टी बांस और टीन से बने घरों में रहते हैं। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो भारत के त्रिपुरा राज्य में ब्रू रियांग के लोगों द्वारा किया जाता है। एक टीम में लगभग 4 से 7 सदस्य गाते हैं, एक मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हैं और सिर पर बोतल और हाथ पर मिट्टी का दीपक जैसे अन्य सामान का प्रबंधन भी करते हैं। गरिया पूजा से जुड़े उत्सव 7 दिनों तक जारी रहते हैं। अपने देवता का मनोरंजन करने के लिए लोग गीत और नृत्य करते हैं। महिलाएं मनाई नामक एक लंबा कपड़ा पहनती हैं। पुरुष परंपरागत रूप से अपने शरीर के लिए एक आवरण के रूप में हाथ से बुने हुए लंगोट और कपड़े का एक टुकड़ा पहनते हैं। इसके साथ ही बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा कामसोई द्वारा सिर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे कामसोई मैतेंग के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा और दिवाली मुख्य तौर से मनाए जाते हैं। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वैसे हम इसे और बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए आप अपने सजेशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। नीचे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी प्लेटफॉर्म पर विशेष प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। Thank you.